Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ये रिश्ता क्या कहलाता है? नायरा बन गई है जोकर। नायरा को पता चल गया है कि कैरव के दिल में छेद है और वो इस बात से बहुत परेशान है। अब वो कैरव को हर पल हर घड़ी खुश रखना चाहती है। तभी वो अपने कैरव को हंसाने के लिए बन गई है जोकर और हॉस्पिटल में बच्चों संग जोकर बनकर खूब डांस कर रही है। इस बात से अनजान है कि उसको कार्तिक अब किसी और का होने जा रहा है। उधर दूसरी ओर कार्तिक की सगाई वेदिका से हो जाती है। इसकी पूरी एंगेजमेंट पार्टी का थीम है वाइट एंड पिंक। तभी सभी ने उसी को अपने अपने लुक में भी फॉलो किया है। कार्तिक की सगाई के इस झटके को नायरा कैसे झेलेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। नायरा क्या हो गया जो आज आपने ये रूप भरना पड़ा? भरपूर वर्ष बार लेती है, आदमी के साथ बहुत मस्ती करती है, दर्द भगाती है और एट द सेम टाइम शी इज ऑल्सो स्केयर्ड क्योंकि यही सब इंजेक्शन लगना, इवेंट होना, सर्जरी होना, वायरल की सर्जरी को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है। लेकिन सबके सामने बड़ा खुश दिखा रही है, बच्चों को खुश करने के लिए वो खुश। लुक के बारे में जानना चाहेंगे, आज एकदम ही अलग लुक है आपका, दोस्त कलरफुल जोकर जोकर लुक। ये लुक पहले भी मैंने किया बहुत पहले, तब कार्तिक को मनाने के लिए, कार्तिक के बर्थडे पे नायरा इससे पहले जोकर बनी है और पिछली बार कार्तिक के लिए बनी थी कायरा को। बहुत ही मुश्किल घड़ी चल रही है आपकी लाइफ में क्योंकि एक तरफ कायरव है, दूसरी तरफ कार्तिक की भी सगाई हो चुकी है। जी ये नायरा को पता है कि सगाई है कार्तिक की और उसी दिन नायरा गोयका की बाहर पहुँच जाता है क्योंकि कायरव गोयका में गोयका हाउस में चला जाता है। बहुत ज़्यादा बहुत रोती है, वो बाहर बहुत परेशान हुई है कि वो भगवान से नाराज है कि आपकी जो आप चाहते क्या हो, मतलब मेरे बच्चे को कार्तिक से मिलवा दिया, आप कार्तिक को गोवा ले आए, गोवा से उदयपुर बच्चे को ले आए और कायरव कार्तिक के साथ पूरी फैमिली के साथ घर में है। और उसी दिन जिस दिन कार्तिक की इंगेजमेंट किसी और से हो रही है उसी दिन नायरा को उस घर के बाहर लाकर खड़े कर दिया। नायरा वेदिका को दिखती है जाते हुए वेडिंग इंगेजमेंट ड्रेस लेके हाथ में, बहुत ज़्यादा मतलब उसका दिल रो रहा है लिटरली, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और वही कायरव को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, बच्चे की हेल्थ काफ़ी सीरियस होती जा रही है और उसकी सर्जरी को लेके आज का ही दिन है जिसकी सर्जरी, जब हम बोलते हैं कि हम और वेट नहीं कर सकते। लास्ट वन आज इतना मजा आया खुश होकर बच्चों के साथ शूट करके, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन छोटे परेशान भी थे बट कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो ये ना करते हैं, बच्चों का तो काम नहीं खेलना बोलना, मजा आई था। बट एक गाना था पप्पा बोले पे हम लोग डांस कर रहे थे, घूम रहे थे एंड दिस लुक वाज काफी गुड। सो आई लव इट, कभी कभी ऐसे भी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एंड आई लव माय नोज। सबसे पहले तो बधाई हो गई आपकी, एक और वन मोर सगाई एडेड टू द लिस्ट। हां मुझे मेरा भी, मुझे बस एक फ्रेंड का मैसेज आया था कि क्या कर रहा है, बोला मेरा भी एंगेजमेंट है, कॉल करता हूँ। तो हाँ, कार्तिक की एंगेजमेंट हो रही है वेदिका के साथ, इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। तो बहुत हाना चल रहा था, बहुत दुख हो रहा था, रोना, पूरी फैमिली के सामने हंसना, प्रिटेंड करना, अ लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन इन द फैमिली एंड आफ्टर एवरीथिंग एल्स जब कायरव खुद घर आ जाता है, कार्तिक के बच्चे जो उन्हें नहीं पता होता, तो उसके बाद वंस ही कम्स बैक तो स्टिल देर इज अ होप कि शायद नायरा वापस आ जाए, शायद घर आ जाए। बट नायरा इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि वो कार्तिक को इस वक्त फेस कर सके, तो वो घर पर नहीं आती। कार्तिक को अब तक नहीं पता कि नायरा जिंदा है, उनका बच्चा है जो कायरव ही है, और ही जस्ट ही
goes ahead with the engagement. अच्छा थीम की अगर बात करें वाइट एंड पिंक. यस वाइट एंड पिंक थीम रखा है जो पूरा डेकोरेशन भी है. द गर्ल इज वेयरिंग पिंक एंड द गाइज आर वेयरिंग वाइट एंड पिंक. मेरी अपनी बहन की शादी में भी ये डेकोरेशन था. मैं उनसे यही बात कर रहा हूँ कि हमारा भी वाइट एंड पिंक था. इट लुक्स ब्यूटीफुल माशाल्लाह. बहुत हमेशा ही हमारा सेटअप बहुत ही प्यारा रहता है. हैट्स ऑफ टू दीज गाइज क्रिएट दीज थिंग्स क्योंकि हर हफ्ते कुछ ना कुछ फंक्शन होती है. So hats off, they've done an amazing job. कैरव की हेल्थ को लेके कहीं ना कहीं शक है कार्तिक क्योंकि वो कहते हैं कि वो हॉस्पिटल में उन्होंने देखा था मुझे. तो वो एक डाउट है कि क्यों हॉस्पिटल आए थे कैरव. लीज़ा बताती नहीं है और लीज़ा कहती कि उनकी मॉम से पूछ रहे हैं. उनकी मॉम से कभी बात नहीं हुई तो वो एक डाउट है कि वो तो वो अभी तक चल ही रहा है. जब से वो रेडी हो रहे हैं तो रेडी होकर भी नायरा को इमेजिन करते हैं कि नायरा उनसे कह रही कि अच्छा तुम मुझे फाइनली छोड़ दोगे मुझे भूल पाओगे. तो वो अपनी इमेजिनेशन में उनसे लड़ते हैं रोते हैं और वो करते करते वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं तो सारा फ्लैशबैक चल रहा है. सो यू सी अ फ्लैशबैक फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड टू नाउ. अब 3 साल का वो एक एक करके छोटे छोटे मोमेंट्स चल रहे हैं पीछे. तो वो सब है और साथ साथ में ही इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि कायरव के साथ क्या रिश्ता है नायरा का क्या हो सकता है. तो अब भी वो समझ नहीं पा रहे बट वो उसी थॉट में एंगेजमेंट कर रहे हैं. नायरा इज इन अ वेरी क्यूट गेटअप टुडे. शी बिकम अ जोकर. हाँ और उनको हमने खुशखबरी भी दे दी कि आपकी सगाई हो गई है. मैंने नहीं देखा जोकर वाला गेटअप तो आई एम श्योर शी विल डू ग्रेट. शी ऑलवेज डज. थैंक यू.